भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी घिरे अपने ही बयानों में अपनी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बता दिया माफियाओं से जुड़ा। नई नवेले नेता और कार्यकर्ताओं को बताया माफियाओं से जुड़ा हुआ, मतलब साफ है कि सिंधिया समर्थकों को बताया माफियाओं से जुड़ा हुआ। विपक्ष के जिलाध्यक्ष बोले कि नाम भी स्पष्ट करो। खबर शिवपुरी से है। हम आपको बता दें कि हाल ही में एक प्रतिष्ठित अखबार को कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब भी राशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं तभी नई नवेले भाजपा कार्यकर्ता और नेता ही उन्हें फोन कर उन पर कार्रवाई करने से मना करते हैं। ये पूरा वाक्य एक अखबार ने छापा भी था जो काफी ट्रोल भी हुआ था, जिसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य प्रदेश की फेसबुक आईडी से भी ये पोस्ट पेपर की कटिंग के साथ डाली गई थी। भाजपा के विधायक ने कबूला कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता माफियाओं से जुड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी कह डाला कि अगर इतना बता दिया तो नाम भी स्पष्ट ही बता दीजिए। इस प्रकार से पूरे वाक्य में कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी काफी ट्रोल हुए हैं और उन्हें अपने ही बयानों में फंसते हुए देखा गया। नए नवेले कार्यकर्ताओं की लाइन में हम ये भी स्पष्ट कर दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। मतलब साफ है कि विधायक ने कहा है कि नए नवेले कार्यकर्ता और नेता उन्हें फोन करके माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से मना करते हैं। तो क्या सिंधिया समर्थक के कार्यकर्ता और नेता उन्हें फोन करते हैं? ये अभी स्पष्ट वे नहीं कर पाए और ना ही नाम स्पष्ट कर पाए कि कौन उनको फोन करता है। कई लोगों के द्वारा ये मांग उठ रही है कि जब इतना बता दिया है तो नाम भी स्पष्ट कर दीजिए कि कौन कौन आपसे माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए मना करता है। बयानबाजी के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर घर वापसी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा कि रेत माफिया के खिलाफ क्यों कभी नहीं बोलते। हालांकि फर्स्ट समाचार ये पुष्टि नहीं करता कि यह विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के लिए लिखा गया है, क्योंकि इसमें ना ही नाम लिखा गया है और ना ही कोई स्पष्ट कहा गया है, लेकिन संकेत उधर ही जाते हैं। मैंने भी विभिन्न समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार पढ़ा है कि कोलारस विधायक माननीय वीरेंद्र रघुवंशी ने ये कहा है कि उनकी पार्टी के कई नेता जो है भूमाफियाओं से संपर्क रखे हुए हैं या मिले हुए हैं। तो वीरेंद्र रघुवंशी वैसे तो बहुत समझदार, वजनदार और जानदार नेता हैं और उन्होंने ये बात कही है, लेकिन उसमें ये स्पष्ट रूपेण सामने नहीं आया है कि ऐसे कौन लोग हैं। हालांकि उनका एक पार्टीगत अनुशासन है जिस कारण वो नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्हें पार्टी फोरम पर ये नाम जाहिर करना चाहिए कि वे ऐसे कौन लोग हैं जो नियम विरुद्ध, कानून विरुद्ध इस तरह का काम करके भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन और मांग रहेगी वीरेन जी से कि वे सार्वजनिक रूप से ना सही, लेकिन अपने पार्टी फोरम पर अवश्य इस नाम को जाहिर करें कि ऐसे कौन नेता हैं जो ऐसा कृत्य करते हैं। हमारे विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी ने अगर कोई वर्जन दिया है और वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, मैं उनसे चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं इस पर आपको बता पाऊंगा और अपनी सफाई दे पाऊंगा। धन्यवाद।